तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है शीतल कंपनी का हमारे कूलर, और ये देखिए हमारे पास ये मकड़ी स्विच है। तो ये ख़राब हो गया, हम लोग कूलर से बाहर किए हैं, और आज की वीडियो में आपको बताएंगे जो मकड़ी स्विच का वायरिंग कैसा करते हैं। काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे मकड़ी स्विच का वायरिंग कैसा होता है, टर्मिनल पे बहुत सारा पॉइंट रहता है। तो ये देखिए कितना बुरी तरीके से जल चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये जला हुआ है। तो इसमें हम लोग नया चेंज करने वाले, तो और काफ़ी सारा डाउट रहता है बहुत जन इलेक्ट्रिशियन लोग को, ये जितना सारा वायर रहता है ना, ये देखिए इसमें कितना सारा वायर है, तो ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं, रेड ब्लैक और ये हमारा येल्लो, ये सबको ना कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो ये कितने सारे वायर कहाँ कहाँ का है चलो आपको बता देते हैं। तो देखिए ये जो आप वायर देख रहे हो, एक हमारा पावर प्लग का है, और ये तीन कलर जो है हमारा मोटर का है, टोटल चार कलर है समझो, ब्लू वाला है और ब्लैक वाला है, रेड वाला है और वाइट वाला। तो इसमें कौन सा स्पीड है, कौन सा कम ज़्यादा है, तो चलो आपको बता देते हैं, और किस तरीके से नया मकड़ी स्विच का वायरिंग कैसे करेंगे, एक नया परचेस करके ले आएँ। और ये देखिए ये लो क्वालिटी का था, ये हेवी वाला है, और ये देखिए जल चुका है, ठीक है, बुरी तरीके से। और इसमें हम लोग फिटिंग करने वाले, तो इसमें टर्मिनल देख रहे हो चार है और इसमें तीन, तो ये चार टर्मिनल पे कैसे कौन कौन से वायर कहाँ जुड़ेंगे चलो आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग वायर को बाहर कर दिए, और ये देखिए यहाँ पर टोटल कितने वायर है, आपको पांच वायर दिख रहा होगा, क्योंकि ये फेस है और एक हमारा पानी पंप का जो है एक मोटर। तो ये देखिए इसमें हम लोग का तीन है, मोटर का स्टार्टिंग है मतलब स्पीड है, आपको बता देता हूँ कौन कौन सा स्पीड है कौन सा स्लो है। सबसे पहले हम लोग को जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है ना, ये अपना हाई स्पीड है, ठीक है। उसके बाद मीडियम कौन सा होगा, मीडियम है वाइट, और स्लो सबसे ये हमारा रेड। इसका वायरिंग कैसा होगा मकड़ी स्विच में आप सोच रहे होंगे ना, तो इसमें देखिए यहाँ पर लाइट ऑन कर दो क्या, देखिए यहाँ पर लिखा है हमारा वन, इसमें वन टू और ये थ्री, यहाँ पर मेंशन आप देख सकते थ्री टू वन, ठीक है। तो एल फेस, तो ये हम लोग का जो एल वाला जो टर्मिनल आपको दिख रहा है ना, तो ये फेस जो है, ये वाला फेस जो है हम लोग का पॉइंट जो है एल वाले में जाएगा। तो जहाँ पर एल लिखा हुआ है उसमें हम लोग पॉइंट करते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो बाकी का टर्मिनल कौन कौन सा में जाएगा, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आपको बताते हैं। ये देखिए फेस पे हो गया, और इसको जो है ये पहले जो लगा था लो क्वालिटी का लगा था, ठीक है, कूलर पे आया था, तो हम लोग जो हेवी वाला मंगवा के यहाँ पर जल चुका था, तो इसको चेंज कर रहे हैं। अब आ गया हमारा वन टू थ्री, तो कौन सा में कहाँ देंगे पहले तो आपको सेटअप कर लेना है, किस डायरेक्शन में हम लोग को रखना है उस हिसाब से हम लोग रख सकते हैं। नहीं तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर वन दिख रहा है, वन पे हम लोग कौन सा देंगे, ये ब्लैक वाला देंगे, ठीक है, ये ब्लैक वाला हमारा हाई स्पीड रहेगा, तो ये वन पे जाएगा। आप थ्री पे भी डाल सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर अधिकतर हम लोग वन पे ज़्यादा रहता है। ये देखिए इसको वन पे डाल दिए, उसके बाद दो वायर और बच रहा है, तो कौन सा टू में कौन सा डालेंगे, रेड या येलो मतलब वाइट, तो ये बता दूं वाइट डालना है हम लोग को टू नंबर पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को जो है ये रेड वाला बच रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा थ्री नंबर पे, मतलब आप सोच रहे हो तीसरे नंबर में तो स्लो होता है, मतलब हाई स्पीड होना चाहिए, तीसरे नंबर पर हमारा जो है ये स्लो कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो है वायरिंग हो गया कंप्लीट, और आप देख सकते हो हम लोग ये थ्री वन पे डाले ना ब्लैक वाले को, उसको थ्री में भी डाल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। फिर हम लोग जो पहले जैसा था वैसा हम लोग कर देंगे, क्योंकि इन लोग का स्पीड जो है पहले से चलाने और टेक्निक समझ गए होंगे रेगुलेटर का, तो उस हिसाब से हम लोग कर दिए इसको, ठीक है। तो देखिए वन पे हम लोग ब्लैक डालें, और टू पे वाइट, और थ्री पे रेड, और ये फेस वाले एल पे, जो एल और लिखा है जो भी है हमारा फेस आएगा, तो इसमें फेस चले जाए, और इसको जो है कवर पैक कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ आ जाएगा। और देखिए मकड़ी स्विच दो प्रकार का आता है, एक हमारा चूड़ी वाला यहाँ पर नट बोल्ट टाइप का आ जाता है, और दो नट लगने वाला आता है। तो ठीक है जैसा था वैसा ही हम लोग यहाँ पर फिटिंग कर दे रहे हैं, और आप देख सकते हो पहले हाई था, मीडियम है और लो है, और ये इसको फुल टाइट कर देते हैं प्लास से, ठीक है। तो देखिए इसका निप्पल मिला था, तो ये हम लोग वाइट वाला नहीं लगा रहे, सोच रहे ये ब्लैक जो था उसी को लगाते हैं, देखते हैं ये लगेगा कि नहीं। ये आराम से लग तो जाता है, फिर हल्का सा दिक्कत जा रहा है, क्योंकि ये जो है इसका साइज़ जो है अपन लोग को बड़ा लग रहा है,
देखते हैं एक बार, कोशिश करते हैं, लग जाए तो बढ़िया होगा क्योंकि सेम सेम हो जाएगा ना, अलग नहीं दिखना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से सेम लग गया, और अभी हम लोग जो है इसको फिटिंग कर लेते हैं इसका जाली को, और देखते हैं मोटर चल रहा है कि नहीं, आप लोग को कैसा लग रहा है, सही तरीके से चलेगा कि नहीं। तो चलो ऑन करके दिखाते हैं आपको, और इस साइड का स्क्रू टाइट कर लेते हैं। फाइनल हो चुका, स्क्रू भी डाल दिए और अभी टेस्ट कर रहे हैं आप लोग को कैसा लग रहा है, ये सही काम आएगा कि नहीं। तो मेरे को हल्का सा एक डाउट लग रहा है, ये देख रहे हो इसका साइज जो है ओपन वाला जो पॉइंट है ऊपर लग गया ऐसा लग रहा है, इसको देखते हैं। ये जो है हमारा स्पीड तो काम आ रहा है, फिर ये आपको बता दूं, देखिए बस इसको जो है हम लोग को चेंजेस करना है हल्का सा, जो ये है साइज को उल्टा करना है, इसको कन्फ्यूजन हो रहा है। ये देखिए ये ओप पोजीशन में है। तो दोस्तों 100% प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व तो हो गया होगा ऐसा लग रहा है हम लोग को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मकड़ी स्विच चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अभी हम लोग टेस्ट करने वाले, देखिए ये हाई स्पीड है, ये मीडियम है, और ये लो है, और ये ऑफ है। ठीक है, ये फाइनल हो चुका। मेरे को ये डाउट लग रहा है ये टूट मत जाए, इसका निप्पल अलग से था ना वाइट वाला, तो हम लोग यहाँ पर ब्लैक वाला यूज किए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर मकड़ी स्विच चेंज किया। आपको पता चल गया कूलर का जैसे प्रॉब्लम होते रहता है छोटा मोटा, तो ये मकड़ी स्विच ख़राब हो जाता है। तो इसको चेंज करने के बाद इस तरीके से चेंज करना है जैसे कि हम लोग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वायरिंग समझ आ गया होगा आज के वीडियो में, कैसे तरीके से हम लोग 4 वायर को कनेक्शन किया जाता है मकड़ी स्विच का। दोस्तों वीडियो कैसा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहते। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।